तो यू हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वा, स्वागत है मैं सी के लिए मॉक टेस्ट पेपर लेकर के आया हूँ जो यू का है तीस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में बहुत हेल्पफुल होंगे एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा तो शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन ई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एन सी एफ दो की अनुशंसा करता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं एवं कहानी कथनों का प्रयोग करना चाहिए इनसे ऑप्शन ए पाठ को आनंद आनंददायक एवं रोचक बनाया जा सकता है बच्चों की भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखा जा सकता है बच्चों की ऊर्जा को सही इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों में स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति खोजनों की कल्पनाओं करने की योग्यता को बढ़ाया जा सकता है तो इसमें से आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका डी वाला बच्चों में स्थानीय बच्चों में स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने और कल्पनाओं की कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा दिया जा सकता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू मच्छरों में मच्छरों से होने वाला रोग है तो मच्छरों से होने वाला कौन सा रोग है मलेरिया या जापानी मस्तिष्क ज्वर डेंगू तपेदिक तो इसमें से आंसर हो जाए आपका सिक्सटी टू फर्स्ट मलेरिया हो जाएगा मच्छर से जापानी मस्तिष्क ज्वर हो जाएगा और डेंगू हो जाएगा तपेदिक नहीं होगा आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं तो आपको बताना हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं तो कितने प्रकार चार प्रकार के जहरीले जहरीले सांप पाए जाते हैं हमारे देश में चार प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर यह पदार्थ बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का होता है यह पदार्थ होता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पेट्रोलियम यह पदार्थ बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का होता है यह पदार्थ पेट्रोलियम है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव मधुबनी बिहार की एक प्रसिद्ध मधुबनी बिहार की एक प्रसिद्ध चित्रकला है इसमें प्रयोग किए जाने वाला रंग है तो इसमें किए जाने वाले रंग हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ये पीछे हुए चावल के रंगीन घोल क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स भारत में प्राचीन समय से कांसा का उपयोग हो रहा है इससे तो प्रदन आदि कांसा मिश्रित धात है जो डॉट और डॉट धात से मिलकर बनती है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी का आपका आंसर हो जाएगा बी तांबा और टिन भारत में प्राचीन समय से कांसा का उपयोग हो रहा है इससे तो बर्दनाज बनाए जाते हैं कांसा एक मिश्र धातु है जो ताबा और टिन से मिलकर बनती है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन का आंसर बताएंगे अलबरूनी उजबेकिस्तान से महबूद गजनवी के साथ भारत आया था वह एक प्रसिद्ध था क्या इतिहासकार था स्थापत्यकार था तीर्थयात्री था या चित्रकार था तो अलबरूनी आपका इतिहासकार था एक पश्मीना शॉल लगभग छः स्वेटर के बराबर गर्म होती है उसको बुनने में लगभग दो सौ पचास घंटे लगते हैं पश्मीना शॉल मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है तो पश्मीना ऊन आपकी मुख्य रूप से लद्दाख में पाई जाती है क्वेश्चन नंबर उनहत्तर नेफिंते से कीटभी पौधा है जो भारत के मेघालय राज्य में, राज में पाया जाता है इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है फिर वह कीटों का बच्चन करता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन की पूर्ति के कारण पूर्ति के लिए इसका कारण है कि नाइट्रोजन की पूर्ति करता है और करता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी प्रियंका मधुमक्खियों का पालना चाहती है इस विषय पर जानकारी है तो मधुमक्खी पालन केंद्र पर गई वहाँ के निदेशक ने बताया मधुमक्खी का पालन उचित समय तो क्या है मधुमक्खी का पालन का उचित समय आपको बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा सी अक्टूबर और दिसंबर मधुमक्खियों को पालने का जो उचित समय होता है अक्टूबर और दिसंबर होता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन को पढ़ेंगे आपका निम्न में से किस कारण मृदा बंजर हो जाती है स्थानांतरकृत से एक ही फसल बार बार बोने से फसल चक्र अपनाने से मिश्रित कृत से तो आपको सेवेंटी वन का आंसर हो जाएगा आपका बी एक ही फसल बार बार बोने से आप मृदा आपकी मृदा बंजर हो जाएगी निम्न में से किस संस्था जल का संरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सी संस्था जल संरक्षण से संबंधित है तो सेवेंटी टू का आंसर हो जाएगा डी ए बी तरुण भारत संघ और भीम संघ ये दोनों आपके जल संरक्षण से संबंधित है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री ग्रीस पेट्रोल और मोम प्राप्त होता है तो कोयला से प्राप्त होता है पेट्रोलियम से प्राप्त है या ऊर्जा से प्राप्त होता है सेवेंटी थ्री का आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम से प्राप्त होता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर इन घरों की दीवारें पत्थर मिट्टी और चूने से बनती हैं इन घरों की छत समतल होती है और फर्श लकड़ी के बने होते हैं इन घरों की निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है इस प्रकार के घर पाए जाते हैं तो सेवेंटी फोर का आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख में लद्दाख में क्या था दीवारें पत्थर मिट्टी और चूने की बनी होती हैं और निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती लद्दाख के घर होते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव निम्न से कौन से उदाहरण घरसठ की उपयोगिता को सिद्ध करते हैं तो सेवेंटी फाइव का आंसर हो जाएगा आपका डी उपरोक्त सभी पेन से कागज का लिखना फर्स्ट पर चलना और ब्रेक लगाकर वाहनों को रोकना तो उपरोक्त तो सभी आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स पर्यावरण की शिक्षिका सोमापाल बच्चों को समूह चर्चा समूह समुछ। परियोजना आदि के द्वारा सिखाने का प्रयत्न करती है पर सीखने के किस आयाम का प्रयोग कर रहे हैं तो सेवेंटी सिक्स का आपका आंसर हो जाएगा सी सामाजिक अद्वित के रूप में सीखना क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है सेवेंटी फाइव का आपका जाएगा सेवेंटी सेवन का आंसर आपका हो जाएगा सी सभी बच्चों दिव्यांगों को भी एक साथ शिक्षा दी जाती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों दिव्यांगों को भी एक साथ शिक्षा दी जाती है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट प्रयोग और प्रयोगत्मक कार्यों के द्वारा शिक्षार्थियों में सजना सृजनिकता का विकास होता है इनसे शिक्षार्थियों में क्या होता है अभिशारी चिंतन होता है या अनुकरण होता है अभिषारी चिंतन होता है या किसी का नहीं होता तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट का आपका आंसर हो जाएगा सी अभिशारी चिंतन का विकास होता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन अरविंद कोशिक पर्यावरण रर्धन की कक्षा फोर्थ का शिक्षक है हमेशा बच्चों के ज्ञान को कोई संकल्पना के साथ जोड़ने की कोशिश करता है इसके तरह विद्यार्थियों में किसको बढ़ावा देता है बढ़ावा को बढ़ावा देता है या व्यक्ति भिन्नताओं को ध्यान रखता है या ज्ञान के संबंधता स्थान बल देता है उपरोक्त में से कोई नहीं तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन का आपका हो जाएगा सी ज्ञान के संबंध में स्थानों पर बल देता है अरविंद कौशिक क्वेश्चन नंबर एट्टी का आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट्टी का प्रश्न पहले पढ़ेंगे विद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करने के पासों में निहित उद्देश्य तो क्या उद्देश्य है विद्यालय का नाम रोशन करना बच्चों को मनोरंजन उपलब्ध कराना बच्चों में साधनिकता का विकास करना आपका सही सही आंसर हो जाएगा बच्चों को विभिन्न व्यवसायों के लिए तैयार करना यही गलत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट्टी वन पर्यावरण क्षेत्र निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है पर्यावरण शिक्षण शिक्षण हेतु से कौन सी विधि उचित नहीं है तो का आपका आंसर हो जाएगा ए व्याख्यान अध्ययन की कक्षा में श्रव्य पार्वरण कक्षा के कक्षा में श्रव्य दृश्य तो सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का उपयोग से शिक्षा शिक्षार्थियों को दिशा निर्देश मिल जाता है या शिक्षार्थियों में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है शिक्षार्थियों को आकलन सुगम होता है या शिक्षकों की आराम मिलता है क्वेश्चन नंबर आपका एट्टी टू हो जाएगा बी शिक्षार्थियों में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है क्योंकि वो सुनेगा भी देखेगा भी वो तो समझेगा भी तो अधिक इंद्रियों का उपयोग हो रहा है जिससे छात्र ज़्यादा समझेंगे क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री का आंसर बताएंगे सभी लोग निम्न में से कौन से बात है बड़ी कारक पर्यावरण अंधर की शिक्षा को प्रभावित करते हैं संस्कृत करती है शारीरिक करती है शिक्षा की गुणवत्ता करती है पौष्टिक की गुणवत्ता करती है तो एट्टी थ्री का आपका आंसर हो जाएगा डी वन थर्ड फोर्थ संस आपकी प्रभावित करती है शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित करती है पौष्टिकता की गुणवत्ता शारीरिक गठन नहीं प्रभावित करता है क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर का आंसर बताएंगे निम्न में से किसके द्वारा बच्चों को बच्चों का सर्वश्रेष्ठ आकलन हो सकता है आर्थिक परीक्षाएं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न या गृहकार या पोर्टफोलियो निम्न में से किसके द्वारा बच्चों का सर्वश्रेष्ठ आकलन हो सकता है तो एट्टी फोर का आपका आंसर हो जाएगा सी पोर्टफोलियो द्वारा एक पोर्टफोलियो वो होता है जो आपकी पिछली कक्षा की डायरी बनाई जाती है आपने क्या किया क्या नहीं किया कैसे पढ़ने में थे कैसे नहीं थे ये सब पोर्टफोलियो में लिखा जाता है क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव का आंसर पता है पार्वर्ण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियाँ ऑप्शन नंबर ए पुस्तक में अलग अलग स्थान पर होनी चाहिए इकाई में अंत होनी चाहिए पाठ के अंत में होनी चाहिए प्रकरणों में अंतर्निर्मित होनी चाहिए एट्टी फाइव का आंसर हो जाएगा डी प्रकरणों में अंतर निर्मित होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स मानचित्र के प्रमुख घटक हैं तो आपको मानचित्र के प्रमुख घटवत गट, घटक बना बना आ, बताने हैं दिशा या दूरी या प्रतीक या सभी क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स का आपका हो जाएगा सभी दिशा दूरी प्रतीक या मानचित्र के प्रमुख घटक हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन निम्न में से किसके द्वारा भूकंप ज्वालामुखी से हुई हानि को दिखाया जा सकता है नक्शा के द्वारा चित्र के द्वारा मॉडल के द्वारा या वृत्चित्र के द्वारा तो एट्टी सेवन का आपका आंसर हो जाएगा से वृत्तचित्र के द्वारा भूकंप या ज्वालामुखी से हुई हानि को दिखाया जा सकता है क्वेश्चन नंबर एट्टी एट का आंसर बताएंगे परिवहन के निकट परिवहन के टिकट दिखाने से क्या होगा ऑप्शन ए बच्चों को वास्तविक जानकारी मिलती है बच्चों में अब अवलोकन कौशल का विकास होता है बच्चों को सिद्धांतिक तथ्यों का व्यवहारिक रूप से समझाया जा सकता है उपरोक्त सभी तो एट्टी एट का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों को वास्तविक जानकारी मिलती है क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य बच्चे में परिवेश के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना बच्चों को सरल क्रियाकलापों क्रिया से संग्रह करना और उसमें बच्चों में तो क्या करना है बच्चों में मूलभूत संगनात्मक का विकास करना हो विकास होता है या मन प्रेरक कोशलताएं विकसित होती हैं उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं तो आपका एट्टी नाइन का आंसर हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों मूलभूत संगनात्मक विकास होता है यह भी सही है और मन प्रेरक कोशलताएं विकसित होती हैं यह भी सही है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ओडम केरल का प्रसिद्ध प्रभ है ओडम क्या है केरल का एक प्रसिद्ध पर्व है इस दिन लोग अपने घरों को रंगोलियों से सजाते हैं पर्यावरण की कक्षा फाइव की कक्षा शिक्षिका ऐसा अहमद ने बच्चों से रंगोली के ऊपर सर्वे करने को कहा है इस क्रिया के द्वारा वह बच्चों में किसका विकास करना चाहती है अभिव्यक्ति कौशल का व्याख्या कौशल का या वर्गीकरण कौशल का अवलोकन कौशल का आपका नाइन्टी का आंसर हो जाएगा डी अवलोकन क्वेश्चन का तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो यहीं पे आपके क्लास समाप्त होते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा लाइक कीजिएगा आपको कैसे आपका कितना स्कोर रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर तो जैन साथियों